अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से अभय हस्तम प्रजा पालना 28 तारीख से लेके जनवरी की 6 तारीख तक ये प्रोग्राम है, ये दरखास्त है। यानी कि हमको जो तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट बोली थी कि 6 हम जो ना आपको स्कीम देते बोलकर, वो स्कीम में से ये फॉर्म पहला है। यहां पर दरखास्तदारों विवरण यानी कि उनके डिटेल्स, ये एक नंबर पे लेडीज जितना हो सके, लेडीज का नाम है सर का, घर की औरत का नाम रहना, जैसा कि यहां पर शाहिदा परवीन है उनकी यहां फोटो रहना, फिर उन्हों मर्द है औरत है, औरत है तो टिक मारना, फिर उन्हों कास्ट कौन सा पूछ रहे, माइनॉरिटी है माइनॉरिटी की जगह पर टिक मारना, फिर ये तारीख है उनकी पैदाश की, तारीख पैदाश की और महीना और साल ये इसमें ये कॉलम में आना, फिर इसमें आधार कार्ड नंबर आना, इसके अंदर रेशन कार्ड नंबर यानी कि FSC 36533 ये नंबर है, ये यहां पर ये कॉलम में आना, यहां पर आपका मोबाइल नंबर रहना, फिर ये वृत्ति बोले तो उन्हों क्या काम करते घर की औरत, हाउस वाइफ लिख देना, फिर उनके बाद उनके शौहर का नंबर फर्स्ट में आना, फिर उनका रिश्ता क्या है बोले तो हस्बैंड शौहर है, फिर यहां मर्द है औरत मर्द, फिर उनकी तारीख, उनका आधार कार्ड नंबर, अच्छा बच्चों का भी लिख देना, कितने बच्चे है उनके उतने लिख देना, माँ है तो माँ का भी लिखना, बाप है तो बाप का भी लिखना, फिर उसका दूसरा सेकंड पेपर ऐसा है वो, फिर उन्होंने कौन से एरिया में रहते उनका हाउस नंबर क्या है या एंटी नंबर या लिखना, या आपका हाउस नंबर है तो हाउस नंबर लिख के, सुभाष नगर तो सुभाष नगर, तड़गांव तो तड़गांव, बीड़ी कॉलोनी तो बीड़ी कॉलोनी, नईपेट तो नईपेट, दरियापुर तो दरियापुर, फिर ये ग्राम बोल तो गांव का नाम नवीपेट, फिर वार्ड कौन सा है या एक है दो है, ऐसे जो है ना आपको 16 वार्ड तक रहते यहां लिख देना, फिर ये नवीपेट मंडल बोलकर है, फिर डिस्ट्रिक्ट निजामबाद, ये आपका एड्रेस वगैरह पूरा हो गया। अब स्कीम मत में क्या है बोले तो आपको घर में 2500 रूपये पेंशन देते बोले तो टिक मार लेना, फिर गैस का कनेक्शन, गैस का जो 500 रूपये बोले यहां टिक मार लेना, फिर गैस कनेक्शन का नंबर है, ये गैस कनेक्शन का नंबर यहां लिखना, ये नंबर है देखो आपको, ये नंबर यहां पर लिखना, और कौन सा है इंडियन है भारत है, ये गैस का नाम भी यहां लिखना, और साल में कितने इस्तेमाल कर रहे हैं आप, दो है तो दो लिखना, पांच है तो पांच करना, दस है तो दस कर लेना, यहां पर ये कितने इस्तेमाल कर रहे साल भर में गैस, यहां पर आप लिख लेना। और उसके बाद रैतु भरोसा बोल के है, यानी कि पहले 10,000 दे रहे थे तेलंगाना गवर्नमेंट, अब कांग्रेस गवर्नमेंट 15,000 देती बोली, तो आपके आपको खेत है तो आपको ये टिक मारना, नहीं खौल कर रहे तो खौल के लिए टिक मारना, फिर पट्टा पासबुक नंबर रहता है इसका, ये पट्टा पासबुक नंबर लिखना, ये आता है पट्टा पासबुक नंबर, आपको खेत की जमीन है तो यहां पर लिखना, फिर आप कितनी जमीन है कितने एकड़, जैसे कि 3 एकड़ है 5 गुंटे है यहां पर लिख देना, और तुम फसल यानी कि खेत कर रहे तो नौकर को कितने दे रहे पैसे, साल को 12,000 बोल के टिक मार देना, ये हो गया। फिर आपको जो है ना लोन देते बोले उसके अंदर आपको 5 लाख, उसके लिए टिक मार देना ये, फिर ये कालम तो जरूरत नहीं है इसके अंदर, तेलंगाना में जो मर गए जेल को गए उनका ये कालम है, ये हो गया। यहां पर गृह ज्योति बोलते करंट यानी कि 200 यूनिट जलाए तो आपको घर में करंट 200 जलाए तो आपको फ्री है, यहां पर टिक मार लेना आप, ये हो गया कालम। उसके बाद ये जो पेंशन अभी 2000 आ रहा आपको, लंगड़े लुल्लों को जो अपाहिज लोगों को आ रहा 4000 रूपये, उनको ये कालम भरने की जरूरत नहीं है। अब जो नए हैं आप लोग अपाहिज हो गए, घर में बेवा हो गई, उम्र जो है ना आपकी ज्यादा हो गई, तो डायलिसिस पे है, ये एड्स के पे जो है उस पर टिक मारने का है ये, यानी कि हंधे लंगड़े भैरे है तो उनका सिद्धर्म सर्टिफिकेट भी यहां लिखना, उनको यहां टिक मारना, ये जईफ लोगों का कालम है ये तुम्हारे को उनतरी महिला शौर छोड़ दिए सो, ये बीड़ी का कालम है, ये बेवा का कालम है, ये बाकी के दूसरे बीमारियों की है, ये आपको जरूरत नहीं है। ये भरने के बाद एक आपको नई पेड़ में काउंटर लगाते, हर जगह पे लगा रहे, सुभाष नगर में भी लगा रहे, दरियापुर में भी लगा रहे, बीड़ी कॉलोनी में भी लगा रहे, नई पेड़ चौड़ी के पास भी लगा रहे, ग्राम पंचायत में लगा रहे। ये भरने के बाद सही भर लेने के बाद आपको साथ में आधार कार्ड जिराक्स देना, सबके जितने नाम लिखे उनके सबके जिराक्स, और रेशन कार्ड, रेशन कार्ड नहीं है तो भी आधार कार्ड लगा के दे सकते, रेशन कार्ड नहीं तो क्या कर सकते, फॉर्म तो भर के आप लोग आधार कार्ड तो दे दीजिए इसके अंदर,
फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दस्तखत करो या ना तो अंगूठा मारो, यहाँ आपका नाम लिखना और तारीख लिखना। और ये जो है ये कालम, ये जो उन्होंने फाट के अपने रसीद देते हैं, अपन ये दे देने के बाद उनको ये लिए तक आप हटना नहीं वहां से ऑफिसर के पास, ये कंपलसरी, ये हमारे को होना, ये जरूरी रहता है, ये संभाल के रखना है, ये रसीद रहती अपने को। और किसी को भी भरोसा मत करो, हम लोन दिलाते, हम आपको पैसे दो, हम पेंशन कराते पैसे दो, हम आपको आधार कार्ड दो, हम बना के देते, किसी को कोई देने की जरूरत नहीं है। आपको एक काउंटर खुल रहा, आपको कल से आपको जनवरी की 6 तारीख तक आपको ऑफिसर जो है ना पूरे ले लेते, आपके पूरे इंक्वायरी करके आपको सब स्कीमा देते और सारे चीजें आप लोग इस्तेमाल आपको जो है ना। और ये जो फॉर्म भरने का है ये करेक्ट ऐसी स्पेलिंग आना खुले खुले, जैसा तुम लिखेंगे वैसा उन्होंने टाइपिंग करेंगे। आप मिला के लिखे तो जो ना उनको समझ में नहीं आता, ऑफिसरों को जो ना उल्टा सीधा लिख देते, लिहाजा जो ना आपकी उम्र भी लिखो, नाम भी सही लिखो, एड्रेस भी सही लिखो, आपका सही काम होता। और कोई भी जो ना हम कराते हैं, हम आपको पैसे दो, इतने देते उतने देते, किसी को एक रुपया देने की जरूरत नहीं है, फ्री काम है। ये फॉर्म भी जो है ना आपको जिला सेंटर में नहीं मिलता, कहीं भी नहीं, पंचायत ऑफिस में देने वाले हैं। आज जो तारीख है 28, दोपहर से आपको इंशाल्लाह ये फॉर्म देंगे। फॉर्म भी ये ले लेके घर को जाके सुकून से भरने का है, ये गड़बड़ करके मत भरो, 6 तारीख तक देने का है। अल्लाह हाफिज़।